गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टैंडर्ड बच्चों, स्टैंडर्ड एट्स ये चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो कल मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट सेंड किया था आपको, और इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद आज हम कुछ 3.1 एक्सरसाइज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स मैं सॉल्व करके आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो बच्चों, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के चैप्टर से मैं ये सम आपको भेज रहा हूँ, उसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट 9th और 10th में भी आते हैं, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अब सबसे पहले हम एक के बाद एक कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इस वीडियो में लिया है वो हम समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे भेजा है उसका, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ देम हैव। तो यहाँ पे कुछ क्वाड्रिलेटरल्स या कुछ पॉलीगोन शेप्स आपको दिए हैं, उसके हमें कितने डायगोनल्स होते हैं वो समझाना है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बताया है, जैसे कि कोई एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है, मैंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को, कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या है कल मैंने आपको इंट्रो पार्ट में समझाया था, इसलिए इसके बारे में अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ आज। लेकिन एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो होता है उनको कितने डायगोनल होते हैं, जैसे कि मैंने ये लिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यू ऑलरेडी नो, क्योंकि कॉन्वेक्स इसको ही कहा जाता है जिसके डायगोनल चार जो ये बॉर्डर होती है लाइन सेगमेंट जो इसको बॉर्डर कहते हैं उनके अंदर ही जिसके डायगोनल बनते हैं उसको ही कॉन्वेक्स कहते हैं। तो मैं रेक्टेंगल को ले सकता हूँ। अब देखो उनके दो डायगोनल हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को सिर्फ दो ही डायगोनल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फिर दूसरा शेप दिया है आपको, वो रेगुलर हेक्सागोन दिया है। आप अच्छी तरह से जानते हो हेक्सागोन कौन सा शेप है, जिनकी 6 साइड्स होती है उसको हेक्सागोन कहते हैं। और रेगुलर मतलब क्या कि जो 6 और 6 साइड्स होती है वो सारी 6 साइड का मेजरमेंट सेम होता है, इसलिए उसको रेगुलर कहते हैं। रेगुलर इरेगुलर पॉलीगोन्स के बारे में भी कल मैंने आपको इंट्रो पार्ट में समझा ही दिया था। तो मेरे हिसाब से तो एक रेगुलर हेक्सागोन को 9 डायगोनल्स होते हैं, किस तरह से वो भी मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिया पहला वाला, ये है एक फर्स्ट डायगोनल, इसको अच्छी तरह से देख लेना कैसे 9 होते हैं। सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये वाला सिक्स्थ, ये वाला सेवन्थ, और ये एट्थ, और ये आखिरी 9। तो इस तरह से 9 डायगोनल्स रेगुलर हेक्सागोन में होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन में लास्ट फिगर है ट्राइंगल। तो बच्चों आप बता सकते हैं कि इसके कितने डायगोनल्स होते हैं, ऑब्वियसली इनके कोई भी डायगोनल नहीं हो सकते, क्योंकि डायगोनल मतलब जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस को ज्वाइन करे, तो यहाँ पे वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ से शुरुआत किया तो वो यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ कहाँ पे वर्टाइसिस है, कोना ही नहीं है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो वो यहाँ पे रुकता है, तो वो भी कोना नहीं है, एक वो तो साइड है, कोना कहाँ है। और अगर मैं इस कोने को पकड़ूँ तो वो यहाँ भी साइड को मिलता है दूसरा भाग, तो एक साइड कोने से स्टार्ट होता है वो बराबर है, लेकिन दूसरा वो कोने से नहीं मिलता है, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि डायगोनल्स के कोई भी डायगोनल होते ट्राइंगल के कोई भी डायगोनल होते नहीं है। सो आंसर इज नो डायगोनल। इनके कोई भी डायगोनल नहीं हो सकते, बाकी के मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बताना है कि अगर आपको साइड्स दी गई है किसी भी शेप की, किसी भी पॉलीगोन्स की आपको साइड्स दी गई है, और क्वेश्चन कुछ इस तरह है इसमें, तो आपको ये बताना है इसमें कि व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगोन विद द नंबर ऑफ साइड्स।
तो अगर किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है मेरे पास, यू नो, अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है वो अभी आपको समझ में आ गया है, मैंने कल भी समझाया था। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है और एंगल सम, मतलब उसके जितने भी एंगल होते हैं टोटल एंगल्स, उनका टोटल कितना हो सकता है वो मुझे बताना है। तो यहाँ पे साइड्स दी गई है, तो मुझे साइड्स में से एंगल का टोटल कितना होता है वो बता देना है। ओके, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो मैंने एक सम सॉल्व करके दिखाया है, बाकी के सम इसी फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट सम में नंबर ऑफ साइड्स 7 दी गई है, तो जो साइड्स दी गई है आसान फॉर्मूला है, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री करो तो आपको टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ साइड्स है, तो जो आपका क्वेश्चन में 7 दिया है तो n की जगह पर मैं 7 लिखूँगा, माइनस 2 करना, तो 7 माइनस 2 मतलब 5, उनको 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 से मल्टीप्लाई किया तो 18 5 90 और एक ज़ीरो मतलब 900, तो एंगल सम इसका 900 डिग्री आएगा, दैट इज़ द आंसर। बाकी के अगर 15 साइड्स है तो n की जगह पर 15, कोई भी साइड्स दी है वो n की जगह पर वो साइड रिप्लेस कर दो, बाकी के सारे सम इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत आसान है एंगल सम ढूंढना। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं सॉल्व करके आज भेज रहा हूँ। बच्चों इनको भी थोड़ा गौर से देखना कि किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसमें आपको ये क्वाड्रिलेटरल ही है क्योंकि चार साइड्स है, इसके 3 वर्टाइसिस के मेजरमेंट दिए हैं और फोर्थ वन मुझे नहीं पता है, मुझे फाइंड करना है, जिसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि जो भी अननोन चीज़ें होती है मैथ्स में उसको एक्स वाई दे देते हैं। तो कैसे मैं एंगल फाइंड करूँ? तो एंगल फाइंड करने के लिए बहुत आसान तरीका है। हाँ, इस मेथड से आप मेथड से ज़रूर सम करना, जो मेथड मैंने यहाँ समझाई है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटर के चारों वर्टाइसिस, मतलब चारों एंगल से उनके टोटल कितने होते हैं। तो यू ऑलरेडी नो स्टूडेंट्स के जैसे ट्राइंगल के 3 अंदरूनी कोने का टोटल 180 होता है, इसी तरह क्वाड्रेटर के चारों जो एंगल्स है या वर्टाइसिस है उनका टोटल 360 डिग्री होता है। तो मुझे 360 डिग्री टोटल होता है वो पता है, बस वही इस आंसर की की है। अगर आपको एंगल का टोटल पता चल गया चारों एंगल का, तो फिर आप कोना फाइंड कर सकते हो। तो पहले मैंने लिखा सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, वो मैंने यहाँ लिखा। फिर इन दोनों तीनों को प्लस करो तो 50 डिग्री प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, क्योंकि ये चारों का टोटल होके 360 बनता है, इसलिए मैंने सबका प्लस करके इज इक्वल टू 360 लिखा है यहाँ पे। अब आप एक काम कीजिए, ये तीनों का प्लस कर दीजिए, तो ये 50 प्लस 130 प्लस 120 300 होता है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं 300 को RHS साइड ट्रांसपोज करूँगा, तो एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 300, तो 360 माइनस 300 इज 60 डिग्री। बहुत आसान, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 60, दैट इज द एंगल यू वांट, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। इन शॉर्ट, अगर मुझे किसी भी मिसिंग एंगल फाइंड करना है तो मुझे वो जो पर्टिकुलर शेप है, जो भी पॉलीगॉन शेप है, उसका एंगल सम, मतलब टोटल चारों कोने का या 3 कोने का, वॉट एवर इट इज, वो मुझे पता होना चाहिए, तो फिर मैं कोई मिसिंग एंगल फाइंड कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया। बच्चों ये सारे सम 3.1 एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, वो मैंने आज भेजा। बाकी के सारे सम है इसके, वो आप होमवर्क में ज़रूर करके मुझे ग्रुप में भेजना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 से कोई भी सम, 3-4 सम और है इसके अंदर भी, उससे कोई डाउट हो तो मुझे बताना ज़रूर, तो मैं आपको होमवर्क में भेज दूँगा या ग्रुप में भेज दूँगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और व्यूज़ ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।